फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो लेके आए। तो सबसे पहले, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर बना रखे हैं। जिन्होंने अब तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो फिलर फॉर्म एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट, फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ क्वेश्चन एंड फ्री बुक्स, यानी सब कुछ कंटेंट आपका रहेगा बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड में भारत की अगली राजदूत इनमें से किसे नियुक्त किया गया है। तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंडियाज पोजीशन इन पोलैंड एज अराइव्ड, तो यहाँ पर जो अगली राजदूत है वो किन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है पोलैंड में। कोमल त्यागी, ऑप्शन बी नगमा मलिक, ऑप्शन सी जया अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहिनी अग्निहोत्री। तो पोलैंड में भारत की जो अगली एम्बेसडर है किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नगमा मलिक। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई है। 1991 में भेज की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। नगमा मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड। नगमा ए 1991 बैच इंडिया फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर इज करंटली एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक का नया MD और CEO नियन में से किसे नियुक्त किया गया है। तो नया MD व CEO नियन में से किसे नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन बी राहुल फलजदेवा, ऑप्शन सी अनिल त्यागी, ऑप्शन डी कोमल अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा कि नया MD व CEO जो कि फेडरल बैंक का नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए श्री श्याम निवास श्रीनिवासन। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का नए MD एवं CEO श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्याम श्रीनिवासन एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विच एक्टर एंड पॉपुलर मिमिक्री आर्टिस्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 68। ऑप्शन ए रवि देवन, ऑप्शन बी संजय दत्त, ऑप्शन सी गौरव अग्रवाल, ऑप्शन डी माधव मोगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माधव मोगे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट माधव मोगे का 68 साल की उम्र में 11 जुलाई 2021 को निधन हो गया। फेमस बॉलीवुड एक्टर, कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट माधव मोगे पास्ड अवे ऑन 11 जुलाई 2021 एट द एज ऑफ 68। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई ट्विटर एज इट्स ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी विनय प्रकाश, ऑप्शन डी मोहन त्रिपाठी। तो भारत में ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनय प्रकाश। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। ट्विटर एज अपॉइंटेड विनय प्रकाश एज द कंपनीज रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ इंडिया, आल्सो एज अ मंथली रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन अगेंस्ट ट्विटर अकाउंट इन वेरियस केसेस। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इनमें से कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 20 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई।
नेक्स्ट है कि इंग्लैंड को हराकर इनमें से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। तो यूरो कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूरो कप 2020 टाइटल बाय डिफेक्टिंग इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को यहाँ पर हराया 2020 का यूरो कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो इंग्लैंड को हराकर यहाँ पर यूरो कप 2020 का जो खिताब जीता हुआ टीम है ऑप्शन ए इटली। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप खिताब जीत लिया। इटली डिफेटेड इंग्लैंड इन द फाइनल मैच ऑफ यूरो कप 2020। इटली हैज़ वॉन द यूरो कप टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम। और इटली ने यहाँ पर जो इंग्लैंड को हरा कर यहाँ पर यूरो कप जो टाइटल जीता है। तो कितनी टीम के बीच यहाँ पर जो यूरो कप था उसमें कितनी टीमें थी? यहाँ पर टीम थी 24 टीम यहाँ पर थी। और जो बेस्ट प्लेयर है यहाँ उसको अवार्ड दिया गया था गियानलुंगी डोनारुमा को, यहाँ पर बेस्ट प्लेयर दिया गया था। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में इनमें से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? गरीबी उन्मूलन के लिए यहाँ पर जो काम करने वाली संगठन है ऑक्सफैम की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में इनमें से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज बाई ऑक्सफैम एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पीपुल डाइड ड्यू टू हंगर एवरी वन मिनट अराउंड द वर्ल्ड? ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया भर में भूखमरी के कारण हर एक मिनट में 11 लोगों की मौत हो जाती है। ऑक्सफैम एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एज सेड दैट एवरी सिंगल मिनट 11 पीपुल डाई ड्यू टू स्टारवेशन वर्ल्ड वाइड। बांग्लादेश के इनमें से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेश क्रिकेटर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट? तो बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन ए महमूदुल्ला, ऑप्शन बी तमीम इकबाल, ऑप्शन सी मोमिनुल हक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि उन्होंने ये फैसला ले लिया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अब तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।